माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें सेल लेवल पर भी सिक्योरिटी अप्लाई करने की परमिशन देता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक डेटाबेस मौजूद है और मैं ये चाहता हूँ कि इस डेटाबेस में यूजर सिर्फ एम्प्लॉई का आईडी, उसका नाम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी एंटर कर सके, क्योंकि जो भी उसकी बेसिक सैलरी है उसका 20% मेडिकल अलाउंस है, 15% हाउस रेंट है, 10% कन्वेंस अलाउंस है और ये सब कुछ ऐड होके टोटल निकल रहा है। टोटल में से टैक्स 4% ऐड माइनस हो रहा है, ईओबीआई निकल रहा है और फिर ये सब चीजें सब्सट्रैक्ट होकर टेक होम उसका बन रहा है एंड देन उसकी पोजीशन, वो मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर, वो डिफाइंड हो रही है। तो अगर मैं ये चाहूं कि यूजर सिर्फ इन फोर सेल्स के ऊपर, इन फोर कॉलम्स के ऊपर टाइपिंग कर सके और रेस्ट ऑफ द एरिया पर उसे काम करने की परमिशन ना हो, तो ऐसा करने के लिए जिस एरिया पर आप यूजर को परमिशन देना चाहते हैं उन तमाम सेल्स को रेंज में ले लें, देन उसके बाद रिव्यू के टैब में अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस पे क्लिक करें एंड देन यहां पर न्यू रेंज डिफाइन करें। रेंज का नाम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, आप रेंज को दोबारा रीचेक भी कर सकते हैं एंड देन फाइनली आप ओके कर सकते हैं। यहां पर यूजर के पास एक खास किस्म की रेंज डिफाइंड होगी जहां पर वो कुछ टाइप कर सकता है। रेस्ट ऑफ द वर्कशीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहीं से प्रोटेक्ट शीट की कमांड का इस्तेमाल करूंगा। पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट की कमांड का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी फाइल को एक पासवर्ड डिफाइन करूंगा एंड देन री इंटर करने के लिए मैं सेम पासवर्ड को दोबारा से टाइप करूंगा। पासवर्ड मेंशन करने के बाद अब आप देखेंगे कि यूजर, मैं सिर्फ इन्हीं शीट्स के ऊपर काम कर सकता हूं। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम एंड देन डिपार्टमेंट मैंने चूज किया और आप ये नोटिस करेंगे कि जब ये सारी चीजें मैं इन तीन सेल्स के ऊपर जब मैं सॉरी चार सेल्स के ऊपर जब मैं काम कर रहा हूं तो आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द शीट्स के ऊपर मुझे काम करने की परमिशन नहीं है। इस पूरी शीट पे अगर मैं कहीं भी कुछ काम करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम मुझे अलर्ट करेगा और इन्फॉर्म करेगा कि आपको बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया पर काम करने की परमिशन नहीं है। तो मैं सिर्फ उन्हीं एरिया पर काम कर सकता हूं जहां पर यूजर ने मुझे, एडमिन ने मुझे अलाउ किया है एज अ यूजर। रेस्ट ऑफ द शीट के अंदर मैं किसी भी किस्म की टाइपिंग नहीं कर सकता। अगर इस रेंज को आप मजीद ऐड या डिलीट करना चाहें और आप चाहते हैं कि अगर सेल लेवल से सिक्योरिटी खत्म हो जाए, तो ऐसा सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आप रिव्यू के टैब से अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने नाम टाइप किया इरफान और मैंने अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट किया। अनप्रोटेक्ट करने के बाद अब जो यूजर रेंज मैंने डिफाइन की थी उस रेंज को मैं अगर मजीद बढ़ानी है तो मॉडिफाई करके उस रेंज के अंदर मजीद कॉलम्स या रॉस को ऐड कर सकता हूं और अगर मुझे इस रेंज को खत्म करनी है तो मैं डिलीट की कमांड का इस्तेमाल करके ओके करूंगा तो ये प्रोटेक्शंस खत्म हो गए। देन अपनी फाइल को हम सेव कर लेते हैं और हम अब इस पर जो भी टाइप करेंगे डेफिनेटली वो अनप्रोटेक्टेड डेटा है वो इजीली टाइप हो रहा होगा।